तो दोस्तों ट्रुल्स बैंड ट्रिकोडर नाम की एक मूवी हमें देखने को मिली है जो एक तरह से ट्रूल्स के एक तरह से पिछले पार्टों से एक तरह से जुड़ी हुई है तकरीबन इस मूवी में दो से तीन पार्ट हमें देखने को मिल चुके हैं और आज हम इसकी नई जो सीरीज़ दो हज़ार से में आई थी यानी मूवी इस सीरीज के अंदर तो हमें उसी के बारे में आज पूरी वीडियो आपके लिए बनाई है आप दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ ही साथ इसकी जो एक तरह से अपकमिंग मूवी आने वाली है उसके बारे में भी मैं आपको सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके बारे में आप जानना चालू करते हैं ट्रोल्स बैंड टुगेदर एक 2023 अमेरिकी एनिमेटेड जुकबॉक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है जो ड्रीम वर्क्स एनिमेशन द्वारा निर्मित और यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है जो थॉमस डैम की गुड लक ट्रोल्स गुड़िया पर आधारित है यह ट्रॉन्स वर्ल्ड टूर 2020 की अगली कड़ी और ट्रॉन्स फ्रेंचाइजी में तीसरी मुख्य किस्त फिल्म का निर्देशन वॉल्ट डोहन ने किया था और सह निर्देशन टिम हेट्स उनके फीचर निर्देशन में पहली फिल्म द्वारा किया गया था इसकी पटकथा एलिजाबेथ टिपेट ने लिखी थी अन्ना केंद्रिक जस्टिन टिम्बरले जुई डेशनेल क्रिस्टोफर मिंटस प्लासे इकोना पॉप एंडरसन पाक रॉन फंचेस केनान थॉम्पसन कुणाल नयर और डोहर ने नवागंतुकों एरिक आंद्रे किड क्यूडी डेविड डिग्स के साथ पिछली फिल्मों की अपनी आवाज वाली भूमिकाओं को दोहराया ट्रॉय सिवन कैमिला कैबेलो एमी शूमर एंड्रयू रानेल्स, रूपॉल और जोसिया मैमेट कलाकारों की टुकड़ी में शामिल हो रहे हैं फिल्म में ब्रांच टिम्बरलेक और पोपी केंद्रिक जो आधिकारिक तौर पर एक जोड़े हैं बॉयबैंड घटना ब्रोजोन के भंग होने के बाद ब्रांच के भाइयों को फिर से एकजुट करते हुए फ्लॉयड सिवन को बचाने का प्रयास करते हैं तीसरी ट्रोल्स फिल्म के लिए विचार अप्रैल 2020 में ट्रॉल्स वर्ल्ड टूर की रिलीज से पहले शुरू हुए जब टिम्बरलेक ने अपने एप्पल म्यूजिक अधिग्रहण के दौरान भाग लेने में रुचि व्यक्त की ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने नवंबर 2021 में आधिकारिक तौर पर तीसरी फिल्म के विकास की पुष्टि की मार्च 2023 में नए कलाकारों और शीर्षक के साथ फिल्म के नए पात्रों की घोषणा की गई मुख्य रूप से सीजीआई एनिमेशन होने के बावजूद डीएनईजी द्वारा कुछ अतिरिक्त एनिमेशन के साथ फिल्म में येलो सबमरीन उन्नीस और फैंटासिया उन्नीस से प्रेरित एनी एशियन शैलियों के साथ कुछ दो डी एनिमेशन अनुक्रम शामिल हैं थियोडोर शापिरो जिन्होंने पहले ट्रॉल्स वर्ल्ड टूर के लिए स्कोर तैयार किया था इस फिल्म के लिए स्कोर तैयार करने के लिए लौट आए ट्रोल्स बैंड टुगेदर को 12 अक्टूबर 2023 को डेनमार्क में और 17 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म ने दुनिया भर में 201 मिलियन डॉलर की कमाई की है और इसे आलोचकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली है कथानक एक शिशु शाखा और उसके चार बड़े भाई जॉन डोरी स्प्रूस क्ले और फ्लॉइड ब्रोजोन नामक एक बॉयबैंड के रूप में प्रदर्शन करते हैं जब उनके आपस में टकराने वाले अह उन्हें परफेक्ट फ़ैमिली हार्मनी का प्रदर्शन करने से रोकते हैं जो एक शक्तिशाली क्षमता है जिसे ट्रॉल्स तब हासिल कर सकते हैं जब वे पूर्ण समन्वय में हों तो भाई बहस करते हैं और बैंड को तोड़ देते हैं शाखा को उसकी दादी रोजीपफ द्वारा पालने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है वर्तमान समय में रॉकपोकैलिप्स को रोकने के लगभग एक महीने बाद ब्रांच और पोपी बर्गेन टाउन में ब्रिजेट और ग्रिस्टल की शादी में शामिल होते हैं वे जॉन डोरी द्वारा बाधित होते हैं जो खुलासा करते हैं कि ब्रांच के सबसे करीबी भाई फ़्लॉयड को वेलवेट और वेनीर दो माउंट रेजॉन किशोरों ने पकड़ लिया है जो पॉप स्टार बनना चाहते हैं भाई बहनों ने फ्लॉयड को हीरे की इत्र की बोतल में फंसा दिया है जिसका उपयोग वे उसका सार निकालने और अपने गायन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं हालांकि यह प्रक्रिया अंत उसे मार सकती है चूंकि परफेक्ट फैमिली हार्मनी ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हीरे को नष्ट कर सकती है ब्रांच अनिच्छा से जॉन डोरी को उनके भाइयों को ढूंढने और फ्लॉयड को बचाने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है पोपी और टिनी डायमंड के साथ वे जॉन डोरी की रोंडा नामक आर्मडिलो जैसी पोर्टेबल वैन में निकले वे स्प्रूस को वेके द्वीप रिसोर्ट में पाते हैं जहां उसने अपना नाम बदलकर ब्रूस रख लिया है और एक परिवार शुरू किया है ब्रूस मदद करने के लिए अनिच्छुक है जब तक कि उसकी पत्नी और तेरह बच्चे उसे ऐसा करने के लिए मना नहीं लेते समूह को बाद में क्ले को एक परित्यक्त बर्गेन लघु गोल्फ कोर्स में मिला जहां पॉप ट्रॉल्स की एक छिपी हुई कॉलोनी रहती थी जो नहीं जानते थे कि बर्गेन्स अब उनके दुश्मन नहीं हैं जब वे अंतिम ट्रॉल्सटिस से भाग गए थे तो वे अन्य पॉप ट्रॉल से अलग हो गए थे एक छिपी हुई ट्रोल कॉलोनी की नेता विवाह खुद को पोपी की लंबे समय से खोई हुई बहन बताती है सबसे पहले पोपी खुश होती है लेकिन यात्रा में खटास आ जाती है जब विवाह यह मानने से इनकार कर देती है कि बर्गेंस बदल गए हैं और पोपी के समूह को गोल्फ कोर्स छोड़ने से रोकने की कोशिश करती है वेकले की बदौलत भागने में सफल हो जाते हैं और पोपी और विवाह टूटे हुए दिलों के साथ अलग हो जाते हैं इस बीच वेलवेट और वेनीर फ्लॉइड से उसका सार छीनना जारी रखते हैं वेलवेट ने खुलासा किया कि उसने फ्लॉयड की लिखावट में जालसाजी की और जॉन डोरी को एक नोट भेजा ताकि फ्लॉयड के भाइयों को आकर उसे बचाने के लिए प्रेरित किया जा सके इसके अलावा वेलवेट और वेनीर के सहायक क्रिम्प ने शोल्डर पेड सूट का आविष्कार किया है जो निष्कर्षण को बढ़ाता है जिसे भाई बहन पूरे ब्रोजोन पर कब्जा करते समय उपयोग करने की योजना बनाते हैं ट्रोल्स माउंट रेजियस तक पहुंचते हैं लेकिन एक बार फिर बहस करते हैं और परफेक्ट फ़ैमिली हार्मनी तक पहुंचने में असफल हो जाते हैं जब उसके भाइयों ने फ़ैसला किया कि वे फ्लॉयड को बचाने के बाद फिर से अलग हो जाएंगे तो ब्रांच ने उन्हें अपने परिवार को छोड़ने और अभी भी उसे एक बच्चे की तरह मानने के लिए डांटा और उन्हें याद दिलाया कि उनकी दादी के खा जाने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन अकेले बिताया ब्रांच पोपी और टिनी अपने दम पर फ्लॉयड का पता लगाते हैं लेकिन वेलवेट और वेनीर जॉन डोरी क्ले और ब्रूस को पकड़ लेते हैं जिससे बचाव और भी मुश्किल हो जाता है ब्रांच और पोपी वेलवेट और वेनेर का सामना करते हैं जब वे प्रशंसकों की भीड़ के साथ घुलना मिलना शुरू कर देते हैं जिससे वे अपनी लिमों में गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित होते हैं आगामी पीछा करने के दौरान वेलवेट और वेनेर ने शो दिखाने के लिए ब्रांच के भाइयों से सार निकालने के लिए कंधे पैड का उपयोग करना शुरू कर दिया ब्रांच और पोपी को जल्द ही विवाद द्वारा मदद मिलती है जो अपने हनीमून के दौरान गोल्फ कोर्स में लड़खड़ाने के बाद ब्रिजेट और ग्रिस्टल के साथ सेना में शामिल हो गए यह देखते हुए कि फ्लॉयड का सार लगभग खराब हो गया है ब्रांच ने अपने भाइयों से कहा कि उन सभी को बस अपने अहंकार को दूर रखने और एक टीम के रूप में काम करने की ज़रूरत है वे पोपी और विवाह के साथ परफेक्ट फैमिली हार्मनी का प्रदर्शन करते हैं और अपनी जेलों से मुक्त हो जाते हैं जैसे फ्लॉयड अपना आखिरी सार खो देता है लेकिन वह जल्दी ही पुनर्जीवित हो जाता है वेनीर जो वेलवेट की साजिशों का अनुमान लगा रहा था सार्वजनिक रूप से सब कुछ कबूल कर लेता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है वॉयस कास्ट मुख्य जस्टिन टिम्बरलेक ब्रांच के रूप में एक अस्तित्ववादी पॉप ट्रोल और पोपी का प्रेमी बेबी ब्रांच के रूप में आयरिस डोहर्न दोहरन ने इससे पहले पहली फिल्म में युवा पोपी को आवाज दी थी पॉपी के रूप में एना केंद्रिक पॉप ट्रॉल्स की रानी और ब्रांच की प्रेमिका टिनी डायमंड के रूप में केनान थॉम्पसन एक चमकदार हिप हॉप ट्रोल और गाय डायमंड का बेटा वॉल्ट डोहर्न के रूप में किंग पेप पी क्रॉल्स के पूर्व राजा और पोपी और विवाह के पिता क्लाउड गाय एक मानवरूपी बादल अंतरायामी उधम यात्री एंडरसन पाक डार्नेल के रूप में फंक ट्रॉल्स के राजकुमारों में से एक और कूपर के छोटे जुड़वा भाई कूपर के रूप में रॉन फंचेस फंक ट्रॉल्स के राजकुमारों में से एक गाय डायमंड एक चमकदार पॉप ट्रोल और टिनी डायमंड के एकल पिता के रूप में कुणाल ने बिग्गी के रूप में डेविड फिन एक बड़ा मिलनसार ब्रिटिश पॉप ट्रोल और मिस्टर डिंकल्स का मालिक फिन ने ट्रॉल्स द बीट गोज ऑन में बिग्गी के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और ट्रॉल्स ट्रॉल्सटोपिया जेम्स कॉर्डन की जगह ले रहे हैं जिन्होंने पहली दो फिल्मों में बिग्गी को आवाज दी थी केविन माइकल रिचर्डसन मिस्टर डिंकल्स बिग्गी के पालतू कीड़ा के रूप में जॉन डोरी के रूप में एरिक आंद्रे ब्रांच के सबसे बड़े भाई और ब्रोजोन के पूर्व नेता स्प्रूस के रूप में डेविड डिग्स ब्रांच के भाइयों में दूसरे सबसे बड़े और ब्रोजोन के पूर्व सदस्य हैं बाद में उसने अपना नाम बदलकर ब्रूस रख लिया क्ले के रूप में किडक्यूडी ब्रांच के भाइयों में तीसरे सबसे बड़े और ब्रोजोन के पूर्व सदस्य हैं फ्लॉयड के रूप में ट्रॉय सिवन ब्रांच के भाइयों में चौथे सबसे बड़े और ब्रोजोन के पूर्व सदस्य विवाह के रूप में कैमिला कैबेलो पोपी की लंबे समय से खोई हुई बड़ी बहन और पुट, -पुट ट्रोल्स की नेता क्रिंप के रूप में जोसिया मैमेट वेलवेट और वेनीर की सहायक एमी शूमर वेलवेट के रूप में एक माउंट रेजॉन और वेनीर की बड़ी जुड़वा बहन जो एक पॉप स्टार बनना चाहती है वेलवेट की गायन आवाज के रूप में ब्रायना मैजोला वेनीर के रूप में एंड्री रानिल्स एक माउंट रेजॉन और वेलवेट का छोटा जुड़वा भाई जो एक पॉप स्टार बनना चाहता है ग्रिस्टल के रूप में क्रिस्टोफर मिन्ट्स प्लासे बर्गिंस के राजा और ब्रिजेट के मंगेतर से पति बने ब्रिजेट के रूप में जुई डेश्नेल एक पूर्व खोपड़ी नौकरानी बर्गिंस की रानी और ग्रिस्टल की मंगेतर से पत्नी बनी सैटिन के रूप में एनो जावो और सेनील के रूप में कैरोलिन हैजेट जुड़वा पॉप ट्रॉल्स जो उनके बालों से जुड़े हुए हैं रूपॉल चार्ल्स मिस मैक्सिन के रूप में ंग ग्रिस्टल जूनियर और ब्रिजेट के बीच विवाह के अधिकारी किड रिच के रूप में डिलन फ्रांसिस माउंट रेजियस का एक डीजे दादी रोजीपफ के रूप में ग्लोजेल ग्रीन ब्रांच और उसके भाइयों की दादी जो फ्लैशबैक में दिखाई देती हैं ग्लोजेल ने पहली फिल्म में अपनी भूमिका दोहराई है ब्रांडी के रूप में पैटी हैरिसन वेके द्वीप पर स्प्रूस की पत्नी बूम के रूप में लांस बैस किस्मत बैंड का सदस्य हाइप के रूप में जेसी चेजेस किस्मत बैंड के सदस्य एबलेस के रूप में जॉय फेटोन किस्मत बैंड के सदस्य ट्रिकी के रूप में क्रिस किर्क पैट्रिक किस्मत बैंड का सदस्य अतिरिक्त ब्रोजोन फैंगर्ल के रूप में नीना बक्शी मेलिसा माबी आंटी स्मीड के रूप में माउंट रेजियस स्टेज मैनेजर के रूप में जेम्स रयान लोन कूपर के रूप में टिम हेट्स, रेडियो उद्घोषक के रूप में रयान नाइलर कॉन्सर्ट उद्घोषक के रूप में निक फ्लेचर सिकुंडा लकड़ी के रूप में ब्रोजोन स्टेज हैंड माउंट रेजोन फ़ैंगरले, रोजर क्रेग स्मिथ के रूप में एक चट्टान पर चढ़ने वाला प्रशिक्षक लेनी माउंट रेजोन प्रशंसक नाचोस के साथ वेकेशन के रूप में फ्रेड टाटासियोर निक किशियामा के रूप में कोह, ईएडी, जकारी फ्रेजरविंडी के रूप में लाब्रीज के रूप में कायला मिलिकियन रैनी के रूप में टाइटस ब्लेक पुटपुट क्रोल -पुट के रूप में निकोल लिन इवास उत्पादन 9 अप्रैल 2020 को जस्टिन टिम्बरलेक ने अपने एप्पल म्यूजिक अधिग्रहण के दौरान भविष्य की ट्रॉल्स फ़िल्मों में भाग लेने में रुचि व्यक्त की मुझे उम्मीद है कि हम सात ट्रॉल्स फिल्में बनाएंगे क्योंकि यह सचमुच वह उपहार है जो देता रहता है छह बाईस नवंबर दो को यह घोषणा की गई कि तीसरी ट्रोल्स फ़िल्म 17 नवंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी साथ अन्ना केंड्रिक और जस्टिन टिम्बरलेक को क्रमशः पोपी और ब्रांच के रूप में अपनी आवाज़ वाली भूमिकाओं को फिर से निभाने की पुष्टि की गई 28 मार्च 2023 को पहले आध इकार ट्रेलर की रिलीज के साथ फिल्म के नए कलाकारों की आधिकारिक घोषणा की गई जिनमें एरिक आंद्रे किडक्यूडी डेविड डिग्स क्रॉय सिवन कैमिला कैबेलो एमी शूमर एंड्रयू रानिल्स रुआल और शामिल थे जोसिया मैमेट वॉल्ट डोहर्न अपनी पूर्ववर्ती फिल्म में ऐसा करने के बाद तीसरी फिल्म का निर्देशन करने के लिए लौट आए जबकि जीना शाय निर्माता के रूप में काम करने के लिए लौट आई बाद में टिम हेड्स को सह-निदेशक के रूप में घोषित किया गया इन घोषणाओं के उसी दिन ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने आधिकारिक शीर्षक ट्रोल्स बैंड टुगेदर का खुलासा किया आठ शे के अनुसार फिल्म का विचार ट्रॉल्स 2016 के तुरंत बाद आया हालांकि ट्रोल्स बैंड टुगेदर मुख्य रूप से सीजीआई एनिमेशन था फिल्म में टिकमाउस इंक द्वारा किए गए कुछ दो डी एनिमेशन अनुक्रम शामिल हैं नौ जिसमें येलो सबमरीन उन्नीस और फैंटासिया 1940 से प्रेरित एनिमेशन शैलियां शामिल हैं दस इसके अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त एनिमेशन डीएनएजी द्वारा प्रदान किया गया था निमोना एनिमेशन निर्देशक टेड टाय सहित लगभग छह एनिमेटरों ने फिल्म पर थोड़ा काम किया प्रशस्ति पत्र आवश्यक संगीत मुख्य लेख रोल्स बैंड टुगेदर साउंड ट्रैक छह मार्च 2023 को थियोडोर शापिरो को ट्रोल्स बैंड टुगेदर के लिए अपने पूर्ववर्ती से लौटते हुए स्कोर तैयार करने की पुष्टि की गई थी 11 चौदह सितंबर 2023 को दूसरे ट्रेलर की रिलीज के बाद ग्रीनवर्कस ने घोषणा की कि एनएसवाई फिल्म के लिए एक मूल गीत प्रस्तुत करेगा जिसे बेटर प्लेस कहा जाएगा जो 22 वर्षों में समूह का पहला गाना होगा 12 रिलीज नाट्यशास्त्रीय ट्रोल्स बैंड टुगेदर ने 12 अक्टूबर 2023 को डेनमार्क से शुरुआत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज करना शुरू किया चार और बाद में 17 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया क्रॉस वर्ल्ड टूर 2020 के बाद एक साथ वीडियो ऑन डिमांड के अलावा रिलीज किया गया कोविड 19 महामारी के कारण सिनेमाघरों की सीमित संख्या के कारण यह फिल्म विशेष रूप से सिनेमाघरों में रिलीज होने लगी साथ मार्केटिंग यूनिवर्सल और ड्रीमवर्क्स ने अपने विपणन अभियान के लिए फिल्म को बढ़ावा देने के लिए कई ब्रांडों और उत्पाद साझेदारियों के साथ सहयोग किया जिसमें शानवाटर बेवरेजेज तेरह आईसीई चौदह शेक शेक पंद्रह साउथवेस्ट एयरलाइंस सोलह कैंडी सत्रह कैंप स्टोर शामिल हैं 18 और प्यूमा 19 साथ ही जिंग फ्लावर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड 20 फिल्म पर आधारित एक वीडियो गेम जिसका शीर्षक ट्रॉल्स रीमिक्स रेस्क्यू है 27 अक्टूबर 2023 को ड्रीम वर्क्स एनिमेशन और गेम मिल एंटरटेनमेंट द्वारा प्लेस्टेशन 4 और 5 एक्सबॉक्स वन और सीरीज एक्स निंटेंडो स्विच और पीसी के लिए जारी किया गया था इस गेम में जो दूसरी फिल्म क्रोल्स वर्ल्ड टूर पोपी ब्रांच की घटनाओं के बाद होता है और खिलाड़ी चरित्र को चेज द स्मूद जैस ट्रोल से ट्रोल किंगडम को बचाने की खोज में लगना चाहिए जब वह जगह पर कब्जा करने की कोशिश करता है अपने सैक्सोफोन से निवासियों को सम्मित करके 21 होम मीडिया ट्रोल्स बैंड टुगेदर को 19 दिसंबर 2023 को डिजिटल और वीओडी पर रिलीज किया गया था 22 नेटफ्लिक्स के साथ यूनिवर्सल के सौदे के हिस्से के रूप में फिल्म पे टीवी विंडो के पहले चार महीनों के लिए पीकॉक पर स्ट्रीम होगी फिर अगले दस के लिए नेटफ्लिक्स पर चली जाएगी और फिर शेष चार के लिए पीकॉक पर वापस आ जाएगी तेईस चौबीस कब स्वागत बॉक्स ऑफिस 5 जनवरी 2024 तक ट्रोल्स बैंड टुगेदर ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में निन्यानवे दशमलव छह मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में 102 मिलियन डॉलर की कमाई की है जबकि दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 201.5 मिलियन डॉलर है चार पांच संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रोल्स बैंड टुगेदर को नेक्स्ट गोल विंस द हंगर गेम्स द बैलार्ड ऑफ सोंगबर्ड्स एंड स्नेक्स और थैंक्स गिविंग के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताहांत में तीन हजार आठ सौ थिएटरों से सत्ताईस डॉलर बत्तीस मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था पच्चीस तीन फिल्म ने अपने पहले दिन नौ दशमलव चार मिलियन डॉलर की कमाई की जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन के एक दशमलव तीन मिलियन डॉलर भी शामिल हैं इसने तीस डॉलर छह मिलियन की पहली कमाई की और द हंगर गेम्स के बाद दूसरे स्थान पर रही छब्बीस फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताहांत में सत्रह दशमलव आठ मिलियन डॉलर कमाए चालीस दशमलव छह परसेंट की गिरावट चौथे स्थान पर रही सत्ताईस आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमैटोज पर पचासी आलोचकों में से ६० परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक हैं जिनकी औसत रेटिंग पांच आठ बटा दस है वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है रोज बैंड टुगेदर एक और मनोरंजक आकर्षक प्रस्तुति पेश करता है जो माता पिता के लिए पूरी तरह से दर्द रहित रहते हुए फ़्रेंचाइज के युवा प्रशंसकों का मनोरंजन करेगा 28 मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने तेरह आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से तिरपन का स्कोर दिया जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है उनतीस सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर एका औसत ग्रेड दिया जो पहली फिल्म के समान था जय दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो मूवी हमें 12 अक्टूबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट में देखने को मिल चुकी थी और इसके साथ डेनमार्क के अंदर भी इसे रिलीज़ किया गया तो इसके साथ वर्ल्ड वाइड इसे लगभग उसके दो या तीन दिन बाद एक रिलीज कर दिया गया था और टोटल लेंथ की बात की जाए तो 92 टू मिनट टोटल इसकी लेंथ है और मूवी का बजट के बारे में बात की जाए तो नाइन्टी फाइव मिलियन डॉलर्स से इसका बजट था मूवी ने जो कलेक्शन किया है लगभग दो सौ एक मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन किया है जो कि ज़बरदस्त है और अपनी मेकिंग कोस्ट से तकरीबन पाँच गुना तो नहीं लेकिन चार पाँच गुना तो है साथ ही साथ इसने एक जम के एक तरह से ओपनिंग ली थी और दोस्तों इसका अगला पार्ट भी हमें कन्फर्म देखने को मिलने वाला है बाकी और जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल है या नहीं थोड़ी और जानकारी है वो मैं आपको देता हूँ एना कुक केन्द्रिक जन्म 9 अगस्त उन्नीस एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं उनकी पहली अभिनीत भूमिका उन्नीस सौ ब्रॉडवे म्यूजिकल हाई सोसाइटी में थी जिसके लिए उन्होंने म्यूजिकल में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेत्री के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया दो उन्होंने म्यूजिकल कॉमेडी कैंप 2003 से अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत की और द टायइट्स आगा दो शून्य शून्य आठ दो शून्य एक एक में सहायक भूमिका निभाई उन्होंने कॉमेडी ड्रामा फिल्म अप इन द एयर 2009 के लिए व्यापक पहचान हासिल की जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अक आदमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया और पिच परफेक्ट फिल्म श्रृंखला दो शून्य एक दो दो शून्य एक सात में उनकी अभिनीत भूमिका के लिए उन्होंने कॉमेडी स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड 2010 और 50 बटा पचास दो क्राइम ड्रामा एंड ऑफ वॉच 2012 म्यूजिकल फंतासी इन टू द वुड्स दो थ्रिलर द अकाउंटेंट 2016 और मैं अभिनय किया इस सिंपल फेवर 2018 और फंतासी कॉमेडी नोएल 2019 उन्होंने ट्रोल्स फिल्म फ्रेंचाइज के एनिमेटेड संगीत में मुख्य भूमिका निभाई उन्होंने शॉर्ट फॉर्म कॉमेडी सीरीज दमी 2020 में अभिनय किया जिसके लिए उन्हें शॉर्ट फॉर्म कॉमेडी या ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड और रोमांटिक कॉमेडी सीरीज लव लाइफ दो, 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 दो में नामांकन मिला उन्होंने वुमन ऑफ द आवर 2023 नाटक से निर्देशन की शुरुआत की केंद्रिक ने अपनी कुछ फिल्मों के लिए साउंड ट्रैक पर गाना गाया जिसमें 2012 में एकल कप और 2013 के कैनेडी सेंटर ऑनर्स और 2015 अकादमी पुरस्कार सहित कार्यक्रमों में गाना शामिल था उनका संस्मरण स्क्रैपी लिटिल नोबडी 2016 में प्रकाशित हुआ था प्रारंभिक जीवन केंड्रिक का जन्म 9 अगस्त उन्नीस को पोर्टलैंड मेन में हुआ था तीन चार अकाउंटेंट जेनिस नीकुक और इतिहास शिक्षक विलियम की बेटी पांच छह वह अंग्रेजी आयरिश और स्कॉटिश मूल की है सात उनका बड़ा भाई एक अभिनेता है और ड्रामा फिल्म लुकिंग फॉर एन इको 2000 में दिखाई दिया था आठ उन्होंने डियरिंग हाई स्कूल में पढ़ाई की नौ no. आजीविका एक नौ नौ आठ दो शून्य शून्य सात प्रारंभिक करियर थिएटर और फिल्मी शुरुआत 2009 हजार नौ टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में केंद्रिक केंद्रिक ने अपने करियर की शुरुआत 12 साल की उम्र में उन्नीस ब्रॉडवे म्यूजिकल हाई सोसाइटी में सहायक भूमिका से की जिससे उन्हें थिएटर वर्ल्ड अवार्ड मिला और ड्रामा डेस्क अवार्ड्स और टोनी अवार्ड्स में म्यूजिकल में फीचर्ड एक्ट्रेसेस के लिए नामांकन मिला वह 2003 में स्टीफन सोन्धाइम के संगीत में ए लिटिल नाइट म्यूजिक के न्यूयॉर्क सिटी ओपेरा प्रोडक्शन में सहायक भूमिका में रहीं म्यूजिकल कैंप में बेवकूफ फ्रिट्जी वैगन के रूप में उनके फिल्मी डेब्यू ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ डेब्यू प्रदर्शन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया उन्होंने रॉकेट साइंस 2007 में एक महत्वाकांक्षी हाई स्कूल डिबेटर की भूमिका निभाई और सर्वश्रेष्ठ सहायक महिला के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड नामांकन अर्जित किया दो शून्य शून्य आठ दो शून्य एक एक ट्वाइलाइट और अप इन द एयर केंद्रिक 2008 में फंतासी रोमांस ट्वाइलाइट के लिए प्रमुखता से उभरे जो स्टेफनी मेयर के 2005 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित एक प्रमुख बॉक्स ऑफिस हिट थी केंद्रिक ने नायक बेला स्वान की दोस्त जेसिका स्टेनली की भूमिका निभाई 2009 में वह कॉमेडी द मार्क पीज एक्सपीरियंस में क्राइम थ्रिलर सबहेर में अपनी पहली प्रमुख भूमिका में दिखाई दी और ट्वाइलाइट के सीक्वल न्यू मून में अपनी जेसिका स्टेनली की भूमिका को दोहराया इसके बाद उन्होंने निर्देशक जेसन रीटमैन की अप इन द एयर 2009 में जॉर्ज क्लूनी के साथ अभिनय किया आलोचकों ने एक महत्वाकांक्षी कॉलेज स्नातक के रूप में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की इसे मज़ेदार और मार्मिक कहा दस और कहा कि वह हर दृश्य को पकड़ लेती हैं ग्यारह इसने उन्हें अकादमी पुरस्कार गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स और बाफ्टा अवार्ड्स सहित कई सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कारों के लिए नामांकन दिलाया 2010 में केंद्रिक ने ट्वाइलाइट सागा की तीसरी किस्त एक्लिप्स में फिर से जेसिका स्टेनली की भूमिका निभाई उस वर्ष बाद में वह स्कॉट पिलग्रिम बनाम द वर्ल्ड में शीर्षक चरित्र की बहन के रूप में दिखाई दी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया लेकिन तब से यह एक पंथ क्लासिक बन गई है 2011 में वह समीक्षकों द्वारा प्रशंसित कॉमेडी ड्रामा पचास बटा पचास में जोसेफ गॉर्डन लेविट द्वारा निभाए गए एक कैंसर रोगी के अनुभवहीन चिकित्सक के रूप में दिखाई दी उस वर्ष बाद में उन्होंने ट्वाइलाइट की चौथी किस्त ब रेकिंग डॉन भाग एक 2011 में जेसिका स्टेनली के रूप में अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज की केंद्रिक 2010 से एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की अभिनेता शाखा के सदस्य रहे हैं दो शून्य एक दो दो शून्य एक पिच परफेक्ट और इनटू द वुड्स 2012 में केंद्रिक को वाट टू एक्सपेक्ट वेन यू आर एक्सपेक्टिंग के कलाकारों के हिस्से के रूप में चित्रित किया गया था जो कि इसी नाम के गर्भावस्था गाइड पर आधारित था उस वर्ष भी उन्होंने स्टॉप मोशन एनिमेटेड फिल्म पैरानॉर्मन में अपनी आवाज़ दी व्यावसायिक रूप से सफल अपराध नाटक एंड ऑफ वॉच में अभिनय किया और रॉबर्ट रेडफोर्ड की राजनीतिक थ्रिलर द कंपनी यू कीप में दिखाई दी मार्च 2014 में गेफिन के फंडरेजर में केंद्रिक केंद्रिक की 2012 की सबसे सफल फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी पिच परफेक्ट 2012 थी जो नॉन फिक्शन किताब पिच परफेक्ट क्वेस्ट फॉर कॉलेजिएट ए कैपेला ग्लोरी पर आधारित थी केंद्रिक ने बेका मिशेल की भूमिका निभाई जो एक विद्रोही कॉलेज फ़्रेशमैन है जो बार्डन बेलास नामक कैपेला समूह में शामिल होता है और पाता है कि संगीत के प्रति उसका अधिक आधुनिक दृष्टिकोण समूह के नेता के पारंपरिक दृष्टिकोण से टकराता है फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और इसे आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने एंड्रिक के प्रदर्शन को शानदार कहा उन्होंने कहा कि वह मीठी और चंचलता के बीच बिल्कुल सही नोट हिट करती है तेरा 2013 में केंद्रिक ने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ड्रिंकिंग बडीज़ में अभिनय किया जिसे आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली साथ ही बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित फंतासी कॉमेडी रैप्चर पलूजा भी मिली जनवरी 2014 में संडास फिल्म फेस्टिवल में केंद्रिक को तीन फिल्मों में दिखाया गया था उन्होंने कॉमेडी ड्रामा हैप्पी क्रिसमस और हॉरर कॉमेडी द वॉसिस में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं जिन्हें आलोचकों से आम तौर पर अनुकूल समीक्षा मिली साथ ही जोम्बी कॉमेडी लाइफ आफ्टर बेथ में सहायक भूमिका भी निभाई हैप्पी क्रिसमस और लाइफ आफ्टर बेथ दोनों को बाद में 2014 में सीमित रिलीज मिली जबकि द वॉयस को 2015 की शुरुआत में सीमित रिलीज दी गई केंड्रिक ने 2014 में सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की 14 सितंबर 2014 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में केंद्रिक को दो फ़िल्मों में दिखाया गया था उन्होंने म्यूजिकल रोमांस द लास्ट फाइव ईयर्स में अभिनय किया जो इसी नाम के ऑफ ब्रॉडवे म्यूजिकल का रूपांतरण था जबकि फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली, केंद्रिक ने अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की उन्होंने कॉमेडी ड्रामा केक में सहायक भूमिका भी निभाई केक को अंतह जनवरी 2015 में व्यापक रिलीज दी गई जबकि द लास्ट फाइव ईयर्स को फरवरी 2015 में सीमित रिलीज मिली केंद्रिक को अगली बार डिज्नी की इंटू द वुड्स 2014 में सिंड्रेला की भूमिका निभाते हुए देखा गया था जो निर्देशक रॉब मार्शल की इसी नाम के स्टीफन सौंडहेम के संगीत का फिल्म रूपांतरण था केंद्रिक बड़े कलाकारों की टोली का हिस्सा था फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई और आलोचकों से इसे ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली केंद्रिक ने अप्रैल 2015 में प्रसारित एक एपिसोड में शो के कार्यकारी निर्माताओं में से एक जॉन क्रॉसिंस्की के खिलाफ लिप सिंक बैटल के पहले सीजन में प्रतिस्पर्धा की थी उन्होंने पहली बार वन डायरेक्शन द्वारा स्टील माई गर्ल का प्रदर्शन किया था जिसमें उन्होंने मज़ाक में अपने उद्देश्य का खुलासा किया था क्रॉसिंस्की की नवविवाहित पत्नी एमिली ब्लंट के प्रति स्नेह केंद्रिक ने जेनिफर लोपेज द्वारा बूटी का प्रदर्शन भी किया जिसमें गाने के अंत में लोपेज ने खुद एक आश्चर्यजनक उपस्थिति दर्ज कराई दर्श कोने केंद्रिक को विजेता घोषित किया इस एपिसोड को एक दशमलव सात पांच मिलियन से अधिक अमेरिकी दर्शक मिले केंड्रिक ने डिगिंग फॉर फायर में सहायक भूमिका निभाई जिसका प्रीमियर 2015 हज़ार पंद्रह फिल्म फेस्टिवल में हुआ और उसी वर्ष अगस्त में सीमित रिलीज प्राप्त हुई मई 2015 में उन्होंने पिच परफेक्ट दो में बेका मिशेल की अपनी भूमिका दोहराई बार्डन बेलास के सह अध्यक्ष के रूप में कॉलेज के अपने वरिष्ठ वर्ष में मिशेल के बाद बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी और पहली फिल्म की सफलता को पीछे छोड़ दिया 2016 वर्तमान ट्रॉल्स फ्रेंचाइज और अन्य परियोजनाएं 2016 हजार सैन डिएगो कॉमिक कॉन में केंद्रिक केंद्रिक ने एक्शन कॉमेडी मिस्टर राइट में अभिनय किया जिसका प्रीमियर 2015 हजार पंद्रह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और 8 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई उन्होंने जॉन क्रॉसिंस की द्वारा निर्देशित और अभिनीत कॉमेडी ड्रामा द हॉलर्स में भी अभिनय किया जिसका प्रीमियर हुआ 2016 हजार संडास फिल्म फेस्टिवल और अगस्त 2016 में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी उसके बाद उन्हें आने वाली फिल्म गेट अजॉब में देखा गया था जिसे 2012 से विलंबित होने के बाद मार्च 2016 में सीमित रिलीज मिली उद्धरण वांछित इसके अलावा 2016 में केंद्रिक ने व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी माइक एंड डेव नीड वेडिंग डेट्स में अभिनय किया एनिमेटेड फिल्म ट्रोल्स के मुख्य किरदार राजकुमारी पॉपी को आवाज दी सोलह और एक्शन थ्रिलर द अकाउंटेंट में सह अभिनय किया सत्रह अठारह उन्नीस केंड्रिक का संस्मरण स्क्रैपी लिटिल नोबडी पंद्रह नवंबर दो हजार सोलह को प्रकाशित हुआ था 20, ने टेबल उन्नीस में अभिनय किया जो तीन मार्च दो हजार सत्रह को रिलीज हुई थी इक्कीस उन्होंने बाईस दिसंबर दो हजार सत्रह को रिलीज हुई पिच परफेक्ट तीन में बेका मिशेल की भूमिका को फिर से दोहराया बाईस सितंबर दो में उन्होंने स्टेफनीस मदर्स के रूप में अभिनय किया मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म ए सिंपल फेवर इसके अलावा सितंबर 2018 में केंद्रिक हिल्टन होटल्स के लिए विभिन्न मीडिया में विज्ञापनों की एक श्रृंखला में दिखाई देने लगे तेईस दो में केंद्रिक ने व्यंग्यपूर्ण अपराध कॉमेडी द डे शैलकम में सह अभिनय किया और डिज्नी प्लस क्रिसमस कॉमेडी नोएल में मुख्य किरदार निभाया केंद्रिक ने फेसबुक वॉच वयस्क एनिमेटेड कॉमेडी श्रृंखला ह्यूमन डिस्कवरीज में एक चरित्र को भी आवाज दी चौबीस इसके अलावा 2019 में यह घोषणा की गई थी कि केंद्रिक भरत नल्लूरी द्वारा निर्देशित अनसाउंड में अप्रिवर्तनीय श्रवण हानि वाले एक राज्य सैनिक के रूप में अभिनय करेंगे 25 केंद्रिक ने 2020 के सिक्वल ट्रोल्स वर्ल्ड टूर में पोपी के रूप में अपनी भूमिका दोहराई कोविड कोविड-19 महामारी के कारण यूनिवर्सल पिक्चर्स ने 10 अप्रैल 2020 को डिजिटल रेंटल के रूप में वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म को रिलीज किया छब्बीस सत्ताईस उन्होंने क्विबी कॉमेडी श्रृंखला डमी में अभिनय किया जिसके लिए उन्होंने के रूप में भी काम किया कार्यकारी निर्माता उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें शॉर्ट फॉर्म कॉमेडी या ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था अट्ठाईस 28-29 इसके अलावा 2020 में केंद्रिक ने एचबीओ मैक्स रोमांटिक कॉमेडी एंथोलॉजी श्रृंखला लव लाइफ में अभिनय किया जिसके लिए उन्होंने एक कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया वह स्टोवे में मुख्य भूमिका में दिखाई दी जो एक साइंस फिक्शन थ्रिलर है जो 22 अप्रैल 2021 को रिलीज हुई थी तीस उन्होंने एलिस डार्लिंग और सेल्फ रिलायंस फिल्मों में अभिनय किया इकतीस बत्तीस व्यक्तिगत जीवन केंद्रिक लॉस एंजल्स में रहते हैं तैतीस एनपीआर पर टेरी ग्रॉस के साथ एक साक्षात्कार में केंड्रिक ने कहा कि वह एपिस्कोपेलियन में पली बढ़ी थी लेकिन एक बच्चे के रूप में वह पुराने नियम के कुछ अंशों से डरती थी चौदह साल की उम्र में उसने चर्च जाना बंद कर दिया 34 2009 में स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात के बाद उन्होंने अंग्रेजी फिल्म निर्माता एडगर राइट के साथ डेटिंग शुरू की पैंतीस छत्तीस उन्नीस सौ सैंतीस मार्च दो हज़ार तेरह में वे अलग हो गए अड़तीस ड्रिंकिंग बडीज़ की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात के बाद उन्होंने फरवरी दो हज़ार चौदह में अंग्रेज़ी सिनेमेटोग्राफर बेन रिचर्डसन के साथ डेटिंग शुरू की उनतालीस चालीस इकतालीस वह रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है केंड्रिक ने 2020 के अंत या 2021 की शुरुआत में अभिनेता बिल हैडर के साथ डेटिंग शुरू की बयालीस उन्नीस जून 2022 तक उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर दिया था चवालीस उन्होंने कहा है कि भावनात्मक रूप से अपमानजनक रिश्ते में उनके अनुभव ने एलिस डार्लिंग में उनके प्रदर्शन को प्रेरित किया पैंतालीस केंद्रिक के पिता की नवंबर 2022 में मृत्यु हो गई छियालीस सैतालीस फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणिया 2003 हजार तीन शिविर फ्रिटजी वैगन 2007 रॉकेट विज्ञान गिन्नी रायरसन 2008 हजार आठ सांझ जेसिका स्टेनली 2009 कहीं सारा मार्क पीज अनुभव मेक ब्रिक मै द्वीलाइट सागा न्यू मून जेसिका स्टेनली ऊपर हवा में नताली कीनर 2010 स्कॉट पिलग्रिम बनाम सारा संसार स्टेसी तीर्थयात्री सांध्य गाथा ग्रहण जेसिका स्टेनली 2011 हजार ग्यारह पचास बटा पचास कैथरीन मैके द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डॉन भाग एक जेसिका स्टेनली 2012 आपकी जो संगत है डायना घड़ी का अंत जेनेक टेलर पैरानॉर्मन कर्टनी बेबकॉक आवाज पिच परफेक्ट बेका मिशेल। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं रोजी ब्रेनन 2013 हजार तेरह दोस्त जी रेपचर पलूजा लिंड से लुईस 2014 हजार चौदह केक नीना कोलिंस क्रिसमस की शुभकामना जेनी जंगलों में सिंडरेला पिछले पांच साल कैथी हया बेथ के बाद का जीवन एरिका वेक्सलर आवाज लिसा 2015 आग के लिए खुदाई एलिसिया मिस्टर राइट मार्था मैके पिच परफेक्ट दो बेका मिशेल 2016 लेखापाल दाना कमिंग्स नौकरी मिलना जिलियन स्टीवर्ट होलर्स रेबेका माइक और डेव को शादी की तारीखें चाहिए एलिस ट्रोल्स पोस्ता आवाज 2017 हजार सत्रह पिच परफेक्ट तीन बेका मिशेल। तालिका 19 एलोइस मैकगैरी। 2018 हजार अठारह एक साधारण उपकार स्टेफनीस मदर्स 2019 वह दिन आएगा केंद्रा ग्लैक नोने नोएल क्रिंगल 2020 हजार बीस ट्रॉल्स वर्ल्ड टूर पोस्ता आवाज 2021 बेटिकट यात्री जो लेवेंसन 2022 हजार बाईस एलिस डार्लिंग एलिस 2023 हजार तेईस आत्मनिर्भरता मैडी समय की महिला चेरिल ब्रैडशॉ निर्देशक और निर्माता भी 48 ट्रोल्स बैंड टुगेदर पोस्ता आवाज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल जस्टिन राण्डेल टिम्बरलेक जन्म 31 जनवरी 1981 एक एक अमेरिकी गायक गीतकार रिकॉर्ड निर्माता और अभिनेता हैं दो एक पॉप संस्कृति आइकन के रूप में जाने जाने वाले टिम्बरलेक को उनकी शोमैनशिप गायन प्रदर्शन गीत लेखन और संगीत निर्माण में विविध कलात्मकता के लिए जाना जाता है वह कई पुरस्कारों और प्रशंसाओं के प्राप्तकर्ता हैं जिनमें दस ग्रैमी पुरस्कार चार प्राइम टाइम एमी पुरस्कार तीन ब्रिट पुरस्कार नौ बिलबोर्ड संगीत पुरस्कार सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम द्वारा समकालीन आइकन पुरस्कार और एम टीवी का आइकल जैक्सन वीडियो वैनगार्ड पुरस्कार शामिल हैं बिलबोर्ड के अनुसार टिम्बरलिक मेनस्ट्रीम टॉप 40 के इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पुरुष एकल कलाकार है Memphis, तेनेसी में जन्मे और पले बढ़े टिम्बरलेक एक बच्चे के रूप में म्यूजिकल टेलीविजन शो में स्टार सर्च पर प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाई दिए उन्नीस के दशक की शुरुआत से मध्य तक वह डिज्नी के मिकी माउस क्लब के मुख्य कलाकार थे कवर गाने और कोरियोग्राफी करते थे शो में रहते हुए टिम्बरलेक भावी साथी बैंडमेट जेसी चेजेस के साथ साथ ब्रिटनी स्पीयर्स, क्रिस्टीना एगुलेरा केरी रसेल और रयान गोसलिंग सहित भविष्य के पॉप सांस्कृतिक हस्तियों के साथ काम करेंगे टिम्बरलेक और चेजेस अंत उन्नीस सौ सत्तानवे के अंत में बॉ बैंड एनसिंग के प्रमुख गायक के रूप में प्रमुखता से उभरे समूह ने चार सफल स्टूडियो एल्बम जारी किए जो दुनिया भर में सत्तर मिलियन रिकॉर्ड बेचने के साथ अब तक के सबसे अधिक बिकने वाले बॉय बैंड में से एक बन गया एक एकल कलाकार के रूप में उन्होंने 88 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड बेचे हैं जिससे वह दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले संगीत कलाकारों में से एक बन गए हैं टिम्बरलेक के पहले एकल एल्बम जस्टिफाइड 2002 ने उनके पहले एकल हिट एकल क्राइमी रिवर और रॉक योर बॉडी को प्रस्तुत किया उनका दूसरा एल्बम फ्यूचर सिक्स बटा लव साउंड्स 2006 और अधिक सफल हुआ क्योंकि इसने यूएस बिलबोर्ड 200 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और लगातार तीन बिलबोर्ड हॉट 100 सौ नंबर एक एकल को जन्म दिया सिक्सी बैक टिम्बालैंड की विशेषता माई लव टीआई की विशेषता और जो चलता है आता है। दुनिया भर में एक एकल कलाकार के रूप में स्थापित उनके पहले दो एल्बमों की बिक्री 10 मिलियन प्रतियों से अधिक हो गई और उन्हें आर द्वारा ट्रिपल प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त हुआ समवर्ती रूप से टिम्बरलेक ने कई सफल गानों पर अन्य कलाकारों के साथ सहयोग किया जिसमें 2006 में द लोनली आइलैंड का वायरल हिट डिक इन अ बॉक्स तीन टिम्बालैंड के गेविड टूमी के साथ उनका चौथा यूएस नंबर एक एकल शामिल था 2007 में साथ ही मैडोना की चार मिनट्स पचास सेंट की टेक्नोलॉजी और बाद के वर्षों में टी आई की डेड एंड गॉन 2008 से 2012 तक टिम्बरलेक ने अभिनय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने संगीत करियर को रोक दिया उन्होंने द लव गुरु 2008, हज़ार आठ द सोशल नेटवर्क दो हज़ार दस बैड टीचर दो हज़ार ग्यारह फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स दो हज़ार ग्यारह और इन टाइम दो हज़ार ग्यारह वह दो हज़ार तेरह में अपने तीसरे और चौथे एल्बम द बीस बटा बीस एक्सपीरियंस और द बीस बटा बीस एक्सपीरियंस दो में से दो के साथ रिकॉर्डिंग में लौट आए दोनों ने बिलबोर्ड 200 को शीर्ष पर पहुंचाया और हॉट 100 के शीर्ष 10 एकल सूट एंड टाई जे जेड की विशेषता मिरर्स और नॉट ए बैड थिंग को जन्म दिया 20 बटा बीस एक्सपीरियंस उस वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया टिम्बरलेक ने ड्रीम वर्क स्क्रॉल्स फ्रेंचाइजी दो शून्य एक छः दो शून्य दो तीन में किरदार ब्रांच को आवाज दी पहली फिल्म के साउंड ट्रैक में उनका पांचवा यूएस नंबर एक फीलिंग शामिल था जिसने उन्हें अकादमी पुरस्कार नामांकन दिलाया उनका पांचवा स्टूडियो एल्बम मैन ऑफ द वुड्स 2018 अमेरिका में उनका चौथा नंबर एक एल्बम बन गया दो शीर्ष दस एकल फिल्थी और से समथिंग क्रिस स्टेपल्टन की विशेषता द्वारा समर्थित एल्बम 2018 में वर्ष के छठे सबसे अधिक बिकने वाले रिकॉर्ड के रूप में समाप्त हुआ चार प्रारंभिक जीवन जस्टिन रांडेल टिम्बरलेक का जन्म 31 जनवरी 1981 को मेम्फिस तेनेसी में हुआ था एक जेनेटलिन बोमर हार्लेस और बैप्टिस्ट चर्च गाना बजाने वालों के निदेशक चार्ल्स रांडेल टिम्बरलेक के पुत्र थे पांच छह सात आठ चार्ल्स की लिसा पेरी से दूसरी शादी से टिम्बरलेक के दो सौतेले भाई जोनाथन और स्टीफन हैं उनकी सौतेली बहन लॉरा कैथरीन की उन्नीस सौ सत्तानवे में जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई और एल्बम एनसिंक में उनकी स्वीकृति में माई एंजेल इन हेवेन के रूप में उल्लेख किया गया है उनके परिवार मंडल में कई संगीतकार शामिल हैं नौ उनके दादा ने उन्हें जॉनी कैश और विली नेल्सन जैसे देशी संगीत कलाकारों के संगीत से परिचित कराया दस एक बच्चे के रूप में प्रदर्शन करते हुए टिम्बरलेक ने देशी और सुषमाचार संगीत गाया ग्यारह साल की उम्र में वह टेलीविज़न शो स्टार सर्च में जस्टिन रैंडल के रूप में देशी गीतों का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए ग्यारह उस समय तक उन्होंने 1960 और 70 के दशक के अल ग्रीन, स्टीव वंडर और मार्विन गे जैसे लय और ब्लूज संगीतकारों को सुनना शुरू कर दिया था और उन्होंने ईगल्स और बॉब सेगर के स्टूडियो एल्बमों के अपने पिता के साथ सुनने के सत्र किए थे दस उन्नीस सौ तिरानवे और उन्नीस सौ चौरानवे में वह द ऑल न्यू मिकी माउस क्लब में माउस्केटियर थे जहां उनके सहपाठियों में भावी प्रेमिका और गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स भावी टूरमेट क्रिस्टीना एगुइलेरा, भावी बैंडमेट जेसी चेजेस और भावी फ़िल्म अभिनेता रयान गोसलिंग और केरी रसेल शामिल थे बारह इसके बाद टिम्बरलेक ने चेजेस को एक सर्व पुरुष गायन समूह में भर्ती किया जिसे क्रिस किर्क पैट्रिक ने एक साथ रखा और बॉय बैंड मैनेजर लू पर्लमैन द्वारा पोषित किया गया जो अंत एनसिंक बन गया तेरा आजीविका एक नौ नौ पांच दो शून्य शून्य दो एनएसवाई मुख्य लेख एनसिंग इतिहास बॉय बैंड एनसिंग का गठन उन्नीस सौ पंचानवे में हुआ और उन्नीस सौ छियानवे में यूरोप में उनका करियर शुरू हुआ टिम्बरलेक और चेजेज ने इसके दो प्रमुख गायकों के रूप में काम किया एक चार एक नौ नौ आठ में समूह अपने स्वशीर्षक डेब्यू स्टूडियो एल्बम की रिलीज के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुखता से उभरा जिसकी 11 मिलियन प्रतियां बिकी और इसमें एकल टेरिन अप माई हार्ट भी शामिल था उनके दूसरे एल्बम नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड 2000 की पहले सप्ताह में दो चार मिलियन प्रतियां बिकी पंद्रह और इसमें नंबर एक एकल इट्स गोना बी मी भी शामिल था इनसिंक का तीसरा एल्बम सेलिब्रिटी 2001 भी आर्थिक रूप से सफल रहा समूह के दूसरे और तीसरे स्टूडियो एल्बम ने बाय 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 गर्लफ्रेंड और दिस आई प्रॉमिस यू जैसे शीर्ष पांच एकल को जन्म दिया सेलिब्रिटी टूर के पूरा होने पर समूह 2002 में अंतराल में चला गया इनसिंक ने 2000 में अकादमी पुरस्कार एक छः दो शून्य शून्य दो शीतकालीन ओलंपिक सत्रह और सुपर बाउल एक्स वी हाफ टाइम शो में प्रदर्शन किया अठारह बैंड ने दुनिया भर में सत्तर मिल एन से अधिक रिकॉर्ड बेचे जो इतिहास में पांचवां सबसे ज्यादा बिकने वाला बॉय बैंड बन गया उन्नीस दो हजार में टिम्बरलेक द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी फिल्म मॉडल बिहेवियर में दिखाई दिए उन्होंने जेसन शार्प नामक एक मॉडल की भूमिका निभाई जो एक विट्रेस को दूसरी मॉडल समझकर उससे प्यार करने लगता है बीस उनके स्वयं के स्टार्डम के बढ़ने और बॉय बैंड की लोकप्रियता में सामान्य गिरावट के कारण एनसिंक का विघटन हुआ बैंड के सदस्य लांस बैस ने अपने संस्मरण आउट ऑफ सिंक में टिम्बरलेक के कार्यों की खुले तौर पर आलोचना की थी दो एक दो शून्य शून्य दो तक जब समूह अंतराल पर चला गया और सदस्य व्यक्तिगत परियोजनाओं का अनुसरण कर रहे थे उन्होंने नए संगीत पर काम शुरू करने के लिए निर्माता टीम द नेपच्यून्स के फेरेल विलियम्स और टिम्बालैंड के साथ साझेदारी की बाईस अकेले जाने का विचार एक साल पहले मजबूत किया गया था टिम्बरलेक ने मूल रूप से 2001 के आसपास माइकल जैक्सन के लिए एकल गॉन लिखा था लेकिन उन्होंने गीत को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय इसे एनएसवाई द्वारा रिकॉर्ड किया गया हालांकि इसकी रिलीज से पहले जैक्सन ने उनसे संपर्क किया टिम्बरलेक ने बाद में एक साक्षात्कार में घोषणा की कि उस बातचीत के बाद पहली बार उन्हें अकेले जाने का आत्मविश्वास महसूस हुआ दो तीन दो शून्य दो शून्य में एक पूर्वव्यापी लेख में बिलबोर्ड ने सेलिब्रिटी को समूह का हंस गीत टिम्बरलेक के समान रूप से बड़े एकल कैरियर के लिए मंच तैयार करने वाला माना चौबीस माइकल ने मुझे फ़ोन पर बुलाया और कहा कि वह रिकॉर्ड गॉन काटना चाहता था लेकिन वह चाहता था कि यह उसके और मेरे बीच एक युगल गीत हो और मैंने कहा ठीक है हम पहले ही काट चुके हैं गीत कोएन सिंक रिकॉर्ड के रूप में क्या हम ऐसा कर सकते हैं जैसे माइकल जैक्सन पर आधारित एन सिंक या माइकल जैक्सन पर आधारित एन सिंक और वह इस तथ्य के बारे में बहुत स्पष्ट थे कि वह चाहते थे कि यह उनके और मेरे बीच एक युगल गीत हो वह पहली बार था जब मैंने वास्तव में इसे करने का आत्मविश्वास महसूस किया था मास्टर क्लास पर टिम्बरलेक दो हजार चौदह तेईस दो शून्य शून्य दो दो शून्य शून्य चार जस्टिफाइड और सुपर बॉल एकस एकस वी आई विवाद मुख्य लेख सुपर बॉल एक्सएक्सेक्स वी आए आए हाफ टाइम शो विवाद अगस्त 2002 में टिम्बरलेक ने 2002 हजार दो वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में प्रदर्शन किया जहां उन्होंने अपने पहले एकल एकल लाइक आई लव यू का प्रीमियर किया 25 यह बिलबोर्ड हॉट 126 पर ग्यारहवें और यूके सिंगल्स चार्ट पर दूसरे नंबर पर पहुंच गया 27 उनका पहला एकल स्टूडियो एल्बम जस्टिफाइड नवंबर में रिलीज हुआ था 28 और पहले सप्ताह में चार लाख उनतालीस हज़ार प्रतियों की बिक्री के साथ बिलबोर्ड 200 पर दूसरे नंबर पर रहा जो पिछले इन सिंक रिलीज से कम है अमेरिका में इसकी तीन मिलियन से अधिक प्रतियां और दुनिया भर में ये दस मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी उनतीस हिप हॉप निर्माता द नेपच्यून्स और टिम्बालैंड द्वारा प्रदान किए गए इसके आर एंड बी प्रभाव की संगीत समीक्षकों ने सराहना की रिकॉर्ड के संगीत निर्देशन के बारे में उन्होंने टिप्पणी की मैं सिर्फ आर एंड बी करना चाहता हूं मैं यही सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ इकतीस इस एल्बम ने शीर्ष पांच एकल ए रिवर और रॉक योर बॉडी को जन्म दिया छब्बीस 2003 की गर्मियों में टिम्बरलेक और क्रिस्टीना एगुलेरा ने जस्टिफाइड बटा स्ट्रिप्ट की सुर्खियां बटोरी बत्तीस उस वर्ष बाद में उन्होंने एक गाना आई एम लविन इट रिकॉर्ड किया जिसे मैकडॉनल्ड्स ने अपने आई एम लविन इट अभियान की थीम के रूप में इस्तेमाल किया मैकडॉनल्ड्स के साथ समझौते से टिम्बरलेक को अनुमानित 6 मिलियन डॉलर की कमाई हुई उनके शुरुआती जस्टिफाइड वर्ल्ड टूर के बाद जस्टिफाइड और इन इट लाइव नामक एक टूर को सौदे में शामिल किया गया था तैतीस टिम्बरलेक को नेली के गीत वर्क इट में दिखाया गए अथा जिसे रीमिक्स किया गया और नेली के 2003 रीमिक्स एल्बम में शामिल किया गया 34 दिसंबर 2003 में टिम्बरलेक अपने जस्टिफाइड वर्ल्ड टूर पर लंदन में थे 2002 के अंत में टिम्बरलेक पंकड़ में प्रदर्शित होने वाले पहले सेलिब्रिटी थे जो मशहूर हस्तियों को चकमा देने के लिए एस्टन कुचर द्वारा बनाया गया एक कैंडिड कैमरा प्रकार का शो था 35 टिम्बरलेक जो एपिसोड के दौरान रोया था ने बाद में स्वीकार किया कि जब उसके साथ मजाक किया गया था तो वह भांग के नशे में था तीन एपिसोड के बाद उन्होंने केली ऑस्बॉर्न को पंकड़ बना दिया इस प्रकार वह शो में एक से अधिक बार आने वाले पहले सेलिब्रिटी बन गए छत्तीस टिम्बरलेक ने बाद में एनबीसी के सैटरडे नाइट लाइव के 2003 एपी सोड में एस्टन कचर और पंकड़ का मजाक उड़ाया सैंतीस टिम्बरलेक ने कॉमेडियन जिमी फॉलन के साथ द बैरी गिप टॉक शो नामक एक नाटक में सह अभिनय किया जहां दोनों ने भी गीज भाइयों बैरी और रॉबिन गिब की भूमिका निभाई इसने फॉलन के साथ लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और सहयोग की शुरुआत को चिन्हित किया अड़तीस फरवरी 2004 में ह्यूस्टन से सीबीएस टेलीविज़न नेटवर्क पर प्रसारित सुपरबॉल XXXVII हाफ़ टाइम शो के दौरान टिम्बरलेक ने 140 मिलियन से अधिक दर्शकों के टेलीविजन दर्शकों के सामने जेनेट जैक्सन के साथ प्रदर्शन किया प्रदर्शन के अंत में जैसे ही गाना खत्म हुआ टिम्बरलेक ने पोशाक प्रकट में जैक्सन की काले चमड़े की पोशाक का एक हिस्सा फाड़ दिया जिसका उद्देश्य गीत के बोल के एक हिस्से के साथ था जैक्सन के प्रतिनिधि ने बताया कि टिम्बरलेक का इरादा लाल लेस वाली ब्रा को दिखाने के लिए रबर बस्टियर को खींचने का था पोशाक का एक हिस्सा अलग हो गया और जैक्सन के स्तन थोड़े समय के लिए उजागर हो गए उनतालीस टिम्बरलेक ने इस घटना के लिए माफी मांगी और कहा कि उन्हें दुख है कि किसी को ठेस पहुंची है सुपर बाउल के टाइम प्रदर्शन के दौरान वार्डरोब माल फंक्शन से चालीस तब से घटना को संदर्भित करने के लिए मीडिया द्वारा वार्डरोब मालफंक्शन वाक्यांश का उपयोग किया गया है और यह पॉप संस्कृति में प्रवेश कर गया है इकतालीस टिम्बरलेक और जैक्सन थे उन्हें 2004 के ग्रैमी पुरस्कारों से बाहर करने की धमकी दी गई जब तक कि वे कार्यक्रम में स्क्रीन पर माफ़ी मांगने के लिए सहमत नहीं हुए टिम्बरलेक ने उस रात प्राप्त दो ग्रैमी पुरस्कारों में से पहला पुरस्कार स्वीकार करते समय भाग लिया और एक लिखित माफीनामा जारी किया जस्टिफाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पॉप वोकल के लिए सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम क्राइमी ए रिवर के लिए प्रदर्शन बयालीस उन्हें व्हेर इज द लव के लिए सर्वश्रेष्ठ रैप बटासन सहयोग के साथ साथ जस्टिफाइड के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एल्बम और वर्ष के रिकॉर्ड के लिए भी नामांकित किया गया था द ब्लैक आइड पीस के साथ बयालीस दो शून्य शून्य चार दो शून्य शून्य सात अभिनय और फ्यूचर सिक्स बटा लव साउंड्स। सुपर बाउल घटना के बाद टिम्बरलेक ने कई फिल्मों में अभिनय करने के लिए अपने रिकॉर्डिंग करियर को रोक दिया अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने कुछ फीचर फिल्मों में अभिनय किया था बारह इस दौरान उन्होंने पहली भूमिका एडिसन फोर्स में एक पत्रकार के रूप में निभाई जिसे 2004 में फिल्माया गया और 18 जुलाई 2006 को डायरेक्ट टू वीडियो रिलीज प्राप्त हुई तैतालीस वह अल्फा डॉग ब्लैक जैसी फिल्मों में भी दिखाई दिए स्नेक मोआन रिचर्ड केली की साउथलैंड टेल्स और 18 मई 2007 को रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म श्रेक द थर प्रिंस आरटी पेंड्रैगन को आवाज दी चवालीस वह जॉन के गीत दिस के वीडियो में एक युवा एल्टन जॉन के रूप में भी दिखाई दिए ट्रेन अब वहां मत रुको पैंतालीस टिम्बरलेक को रॉक म्यूजिकल रेंट के फिल्म संस्करण में रोजर डेविस की भूमिका निभाने के लिए माना गया था लेकिन निर्देशक क्रिस कोलंबस ने जोर देकर कहा था कि केवल मूल ब्रॉडवे सदस्य ही रेंट का सही अर्थ बता सकते हैं इसलिए यह भूमिका एडम द्वारा दोहराई गई थी पास्कल छियालीस उन्होंने अन्य कलाकारों के साथ रिकॉर्डिंग जारी रखी वेयर इज द लव के बाद उन्होंने 2005 में ब्लैक आइड पीस के साथ उनके एल्बम मंकी बिजनेस के ट्रैक माई स्टाइल में फिर से सहयोग किया चार सात दो शून्य शून्य पांच में स्नूप डॉग के साथ एकल साइंस रिकॉर्ड करते समय टिम्बरलेक को गले की समस्या का पता चला 48 बाद में 5 मई 2005 को हुए एक ऑपरेशन में उनके गले से गांठें हटा दी गईं। उनचास उन्हें कम से कम कुछ महीनों तक जोर से नगाने या बोलने की सलाह दी गई पांच शून्य दो शून्य शून्य पांच में उन्होंने अपनी खुद की रिकॉर्ड कंपनी जेटी रिकॉर्ड्स शुरू की इक्यावन टिम्बरलेक ने फ्यूचर सिक्स बटा लव शो के दौरान जनवरी 2007 में सेंट पॉल मिनेसोटा में एक संगीत कार्यक्रम में प्रदर्शन किया फ्यूचर सिक्स बटा लव साउंड्स, सुसंगतता और समान गीत से गीत गुणवत्ता की एक पूर्ण लंबाई वाली एलपी जो माइकल मैडोना जेनेट और प्रिंस के अस्सी के दशक के स्वर्ण युग के बाद से पॉप संगीत में लगभग अनसुनी है उनके एक सूट एंड की तरह बनियान कॉम्बो टिम्बरलेक ने स्वयं असाधारण रूप से पॉप स्टारडम पहनना जारी रखा उन्होंने अपने संगीत वीडियो और लाइव प्रदर्शन को एक ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ पूरा किया जो पहले से ही अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा सुर्खियों में बिता चुका था और जिसने कभी संदेह नहीं किया कि वह संगीत में शीर्ष पर लौटने में सक्षम होगा बिलबोर्ड का द ग्रेटेस्ट पॉप स्टार बाय ईयर एक नौ आठ एक दो शून्य एक नौ चौबीस टिम्बरलेक ने अपना दूसरा स्टूडियो एल्बम फ्यूचर सिक्स बटा लव साउंड्स 12 सितंबर 2006 को जारी किया टिम्बरलेक ने 2005 से 2006 तक जो एल्बम बनाया उसने बिलबोर्ड 200 सौ एल्बम चार्ट पर नंबर एक पर शुरुआत की और पहले सप्ताह में इसकी छह लाख चौरासी हज़ार प्रतियां बिकीं बावन यह आईट्यून्स पर प्री ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा एल्बम बन गया और एक डिजिटल एल्बम की एक सप्ताह की सबसे बड़ी बिक्री के कोल्डप्ले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया तिरपन इस एल्बम का निर्माण टिम्बालैंड और डांजा जिन्होंने एल्बम का एक बड़ा हिस्सा तैयार किया था विल आई। एम रुबिन और टिम्बरलेक ने स्वयं किया था और इसमें स्नूप डॉग, थ्री आई द्वारा अतिथि गायन शामिल है पूर्वाहन चौवन एक स्टूडियो प्रतिनिधि ने इसे सभी कामुकता के बारे में और एक वयस्क अनुभव के लक्ष्य के रूप में वर्णित किया पचपन तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी इस मूवी के बारे में जो कि 2030 में हमें देखने को मिली और बाकी दो हज़ार के अंदर एक से बढ़कर एक मूवी हमें देखने को मिलने वाली है सारे वीडियो की प्ले मैंने आपके लिए बना दी है आप जाकर चेकआउट कर सकते हो हमारे प्ले सेक्शन में बाकी दोस्तों आज की वीडियो इतना ही आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में